पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार के एक चहेते आईपीएस अफसर को लेकर बड़ी खबर है और बिहार वो राज्य है जहां हाल में बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए हैं। बिहार को नए डीजीपी भी मिले हैं, बिहार को नए मुख्य सचिव भी मिले हैं और अब एक और बड़ी खबर है बिहार के एक बड़े अधिकारी को लेकर, जिनकी पहचान यह भी है कि वो नीतीश कुमार के बड़े विश्वास पात्र अधिकारी हैं, नीतीश कुमार उनको पसंद करते रहे हैं और बड़े अधिकारी हैं, चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं नैयर हसनैन खां, उनको लेकर वो ये खबर है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं और वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं, एसएसबी का आईजी उनको बनाया गया है, एसएसबी के आईजी होंगे अब नैयर हसनैन खां। अब नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले आईपीएस अधिकारी ने बिहार छोड़ दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं, उन्हें सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का आईजी बनाया गया है। इससे पहले वे बिहार के डीजीपी रजविंदर सिंह भट्टी थे और उन्होंने भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे और वो सीआईएसएफ के डीजी बनाए जाने गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाल के दिनों में सिर्फ नैयर हसनैन खां ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का फैसला किया है, बल्कि जो बिहार के डीजीपी थे रजविंदर सिंह आर एस भट्टी, उन्होंने भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का फैसला लिया था और वो भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, उनको सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया। बिहार के सीनियर आईपीएस अधिकारी नैयर हसनैन खां केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। बिहार सरकार ने उन्हें अपने आर्थिक अपराध इकाई के साथ साथ स्पेशल विजिलेंस यूनिट का एडीजी बना रखा था। नैयर हसनैन खां को नीतीश कुमार का खास अधिकारी माना जाता था, लेकिन वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं, ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर उनकी भूमिका क्या होगी? केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नैयर हसनैन खां की पोस्टिंग को लेकर आदेश निकाल दिया गया है, उन्हें सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का आईजी बनाया गया है। एसएसबी भारत नेपाल सीमा की निगरानी के लिए बनाया गया अर्धसैनिक बल है। नैयर हसनैन खां बिहार सरकार के मानकों के मुताबिक भले ही एडीजी बन गए थे, केंद्र सरकार ने उन्हें आईजी के पद पर तैनात किया है, उन्हें 5 सालों के लिए एसएसबी में तैनात किया गया है। तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का सिलसिला लगातार जारी है बिहार के अधिकारियों का। नैयर हसनैन खां वो तीसरे अधिकारी हैं जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। 15 दिनों के भीतर नैयर हसनैन खां सहित 3 अधिकारी बिहार से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। डीजीपी रजविंदर सिंह भट्टी का जिक्र हमने किया और इससे पहले सीनियर आईपीएस अधिकारी भृगु श्रीनिवासन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी भृगु श्रीनिवासन को बिहार सरकार ने पुलिस अकादमी राजगीर का निदेशक बनाकर रखा था। तो बड़ी खबर है बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी नैयर हसनैन खां को लेकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं और सशस्त्र सीमा बल का उनको आईजी बनाया गया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।